of we have 1 mole of sodium chloride, and we have also 1 mole of any compound like AB. अगर हम colligative property की बात करेंगे तो that is same for both. जबकि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड तो एक सॉल्ट है, AB तो जैसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता. देन ऑल्सो क्या है, उसको केमिकल नेचर से कुछ मतलब नहीं, नंबर सेम है, दैट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी. गाइस इज इट क्लियर? यस सर. हां, बाकी मैं आपके एग्जांपल्स लेके और बताऊंगा. इसे हेडिंग को कॉपी कर लीजिए. Done? Yes sir. 1 minute sir, कर लीजिए. Done sir. Sir, वो लास्ट पॉइंट क्या लिखा? ऑस्मोटिक प्रेशर. देखिए जरा, छोटी सी डेफिनेशन लिखिए. द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. आई थिंक ये सबको पता होगा कि जब लिक्विड वेपराइज होता है, एवपोरेट होता है, तो अपवर्ड मूव करने के लिए सरफेस एरिया पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. पता है कि नहीं पता हमको? गाइस सुनाई दे रहा है कि नहीं? गाइस आवाज आ रही है कि नहीं आपको? यस सर। देखिए जरा मैं डेफिनेशन के साथ पहले रिलेट कर दूं। प्रेशर जो भी अप्लाई करेगी वेपर सरफेस ऑफ लिक्विड पे उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। पर एक कंडीशन की बात करते हैं, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। हमने ये जो आपको ग्रीन मार्कर से दिखाया है कि हमने कोई सब्सटेंस इसमें ऐड कर दिया जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब नहीं उड़ेगा खुद, तो वो क्या करेगा इसके सरफेस एरिया को कम कर देगा। अब अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। is added to a solvent, the vapor pressure is lower due to दो रीजन बताएं, decrease in rate of evaporation, evaporation का rate कम हो जाएगा, and decrease in surface area। तो ultimately surface area ही कम हुआ है, इसकी वजह से सारी चीजें lower है। ठीक, बाकी जरा ऐसे formulate कर लेते हैं। देखिए जरा, अगर इनिशियल प्रेशर हम ले लें सॉल्वेंट का P0, राइट, और आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट जैसे हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं प्रेशर बिकम PS, राइट। तो हमें पता है P0 ज्यादा होगा PS से, इनिशियली ज्यादा था, तो लोवरिंग इन प्रेशर कितना हो गया? P0 माइनस PS। अगर रिलेटिव लोवरिंग बोलेंगे तो क्या होता है? चेंज अपॉन इनिशियल, तो P0 माइनस PS अपॉन P0। करिए कॉपी इसको। हो गया गाइस, कॉपी हुआ? सर एक मिनट। Done? Yes. देखिए जरा, if n moles of solute is added in capital N moles of solvent, right? तो according to Raoult's law क्या है कि relative lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. तो हमने relative lowering निकाला था यहाँ से PO minus PS upon PO is equal to the mole fraction of solute. तो moles of solute upon total moles. ये हमारा basic formula है lowering और relative lowering find करने का according to Raoult's law. अब इसे हमने rearrange किया है, क्या किया equation को रिवर्स कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। आफ्टर दैट ये n से हमने इसे डिवाइड किया तो दिस बिकम ऐसा, समझ आ रहा है राइट? इस वन को इधर लेकर के आए, प्लस से माइनस में आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, स्टेप बीच की स्किप की है। यू विल गेट दिस इक्वेशन पीओ माइनस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। अगर आप इसे इसके साथ कंपेयर करोगे, देखिए डिनोमिनेटर में केवल एक चेंज इधर पे लेफ्ट साइड में आया है, पी नॉट की जगह पे पीएस आ गया है और वहां पे स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। दोनों इक्वेशन करेक्टली राउल्स को एक्सप्लेन करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे यूज करो या इसे यूज करो। बट ड्यूरिंग सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, ये वाला आप इक्वेशन यूज करने से आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाता है। वो कैसे होगा अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आप खुद चेक कर पाओगे। दोनों में से कोई भी यूज करना, ये यूज करोगे तो कैलकुलेशन कम होगा, ये यूज करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉपी करिए, मैं आपको उस पे क्वेश्चन बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट की जो है इसे कैलकुलेट करने के लिए ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड यूज किया जाता है। बस सिर्फ नाम जानने की जरूरत और कुछ भी नहीं। कॉपी हो जाए तो बताइए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। हो गया? यस। देखिए, कैलकुलेट वेपर प्रेशर लोवरिंग कॉज बाय एडिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज टू 500 किलोग्राम ऑफ वाटर, सॉरी दैट इज इन ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ वाटर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 mmHg। करिए ट्राई जरा। आंसर भेजो। आंसर सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं? आंसर में वेरिएशन क्यों है? क्वेश्चन सबको समझ आया है? आंसर है देखो मैं बोर्ड पे करेक्ट आंसर क्या है वो लिख देता हूँ। हाँ सर यही यस सर यही है। कुछ लोगों का 23 भी आ रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे ला रहे हैं। सर आपने क्या लिखा? 0.124। हाँ सर यही है। हाँ सर यही देखो बहुत सिंपल है, मैं सॉल्व कर दूं क्या? अभी और कोई ट्राई कर रहा है? कर रहा है कोई और? कर दो सर, कर दें। हमें वेपर प्रेशर लोवरिंग चाहिए, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है। डेल्टा पी चाहिए तो पी नॉट का मल्टीप्लाई करो और ये एन मोल्स हैं आपके पास। सुक्रोज है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 342। तो स्मॉल एन आएगा 50/342, 50/342 और कैपिटल एन 500 ग्राम/18। 18 यस। और पी नॉट भी गिवन है 23.8। बस इसे सॉल्व करना है। जिसका भी गड़बड़ होगा मेरे हिसाब से वो कैलकुलेशन एरर ही होगा। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 640 mmHg, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट weighing 2.175 ग्राम is added to 39 ग्राम of benzene. Vapor pressure of solution is 600 mmHg. Find the molecular mass of solid. सर आंसर्स आपके कौन से डिवाइस पे भेजना? मैं इस पे हाई भेज रहा हूँ, मेरा हाई आया। हाँ बस इस पे भेजना। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है सर। सब साथ में देने या फिर एक-एक करके भेजें? स्टार्ट किया जाए भाई। जरा सेकंड करके देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 640 नॉन वोलेटाइल सॉलिड वेइंग 2.1। बताएंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया सेकंड क्वेश्चन में? डेल्टा पी वाले अप्लाई करना, पीएस इज इक्वल टू एन बाय। अच्छा, अगर इस पे सेकंड वाला यूज करेंगे ना तो मुझे लगता है कि ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं करता हूं फ्रैक्शन ऐड करेंगे। Weight of solute is 2.175 of molecular weight, 39 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का मॉलिकुलर वेट कितना लिया? 78। ये करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 65.25। जिन लोगों ने दूसरे वाले फॉर्मूले से किया होगा उनका थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बना होगा। क्लियर है भाई सबको? यस सर। इधर थर्ड वाला करते हैं। यूरिया नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज प्रेशर 85%। थर्ड वाला बताएंगे कैसे किया है सर? रिलेटिव प्रेशर दिया हुआ फॉर्मूला में डाल के। सर फॉर्मूला कौन सा लगाया है? रिलेटिव प्रेशर दिया हुआ है ना। क्या लिखूं मुझे ये बताओ? फॉर्मूला कौन सा लिखूं और वैल्यू क्या लिखूं? P naught minus PS upon PS is equal to 0.25। हाँ, सबसे सही चीज क्या लगती है? जब कभी भी आपको मोलैरिटी या मास या इस तरीके की चीजें की जरूरत हो तो सेकंड फॉर्मूला ज्यादा इजी हो जाता है। यानी कि PO माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N बाई N, ये वाला अब कह रहा है 25% रिड्यूस हुआ है तो इनिशियली कितना रहा होगा? 100। हाँ सर, है ना। तो PS कितना होगा? 75, तभी तो 25 आएगा। 25 अपॉन 75। वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। व्हाट मास ऑफ, ये फाइंड करना है। मॉलिकुलर वेट 60 होता है यूरिया का, 100 ग्राम ऑफ वाटर 100/18। ये करने से W मिल जाएगा। यही क्या है? यस। ये आया। यस। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट सर वो बाय 60 करने की जरूरत नहीं थी। N निकाल सकते। हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी जो लोग हैं उनको अगर नहीं समझाए वहां से तो यहाँ से समझ जाए। वो कितने ग्राम था? 100 ग्राम। हमने इसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं लगाया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स निकाले हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर 1000, यही रहेगा ना फॉर्मूला? यस सर। तो आपका 18.52 आ रहा होगा। यस। हाँ यस सर। भाई जिसका मैच नहीं कर रहा वो मैच करा लो। मैं इरेज कर दूं? Next, the vapor pressure of dilute aqueous solution of glucose is 750 mm Hg. Solution 750. Calculate molality and mole fraction. ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन किया है किसी ने? Yes sir. बताएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्या किया? सो मोल फ्रैक्शन के लिए तो वही लगाया है, n upon 1%। बट हमारे प्रेशर दिया हुआ है। सॉरी सर, प्रेशर तो सिर्फ 750 है। तो मैंने 760 अज्यूम किया, मुझे लगा था वही होगा। ये 750 दिया हुआ है बट अज्यूम क्यों किया? सो दिया नहीं था और 750 था तो मैं एज्यूम तो हम तब करें जब कोई चीज हमें अननोन होती है, तब एज्यूम किया जाता है, पर यहाँ अननोन जैसा कोई टर्म तो आ नहीं रहा, तो एज्यूम क्यों करना। बाकी लोगों ने कैसे किया है, क्यों भाई बाकी लोगों ने कैसे किया है कुछ? मैंने भी वैसे ही तो लेके किया है। एक तो प्रेशर भाई मैं बताता हूँ, एज्यूम नहीं करना था, बहुत सिंपल लॉजिक है। जो एसटीपी एनटीपी जब आपको बताया गया होगा तो आपको बोला होगा कि प्योर वाटर का प्रेशर 760 mmHg होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपने एसटीपी लिखा नहीं, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। प्योर वाटर का प्रेशर 180 एम ही लेना पड़ता है। तो अब क्या निकालना है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो ठीक है लिख लेते हैं। देखो, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, तो इससे तो डायरेक्ट निकल आया मोल फ्रैक्शन। यस, 60 यानी 1/76 आ रहा होगा, यही आया ना मोल फ्रैक्शन। यस, अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, हमको मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी के लिए क्या किया आपने, तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकालनी है, मतलब वो जो फार्मूला होता है। कैसे कैसे बताओ मुझे। सो x से अपॉन 1 xb से भी कर सकते हैं। जैसे x से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, और नीचे भी nm + nb आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और फिर नीचे मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, तो पता है ना 18, उससे टोटल मास आ जाएगा। और किसी ने कुछ और किया है कि यही किया है? तो सीधा 1 लीटर सॉल्यूशन में ज़ूम करके आ जाएगा। अच्छा, मेरे को ना, मैं एक रिलेशन डेवलप करके आपको बताता हूँ जो इजी कर देगा चीजों को। सो मैं रिलेशन ही बता रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट देखिए जरा बोर्ड पे। ये हमने दूसरा रिलेशन जो लिया था, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन होता था। कैपिटल एन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता था। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये तो ओल्ड वाला फॉर्मूला हो गया। दोनों तरफ हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद अब जरा ध्यान से देखो और बताओ कि दिस इज वॉट, ये क्या बना, बोलिए। मोलैलिटी हो गया, ये मोलैलिटी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिकुलर वेट को डिनोमिनेटर में ले आते हैं यहाँ पे, तो पीओ माइनस पीएस अपॉन पीएस 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कर दो, दिस विल गिव मोलैलिटी। ये हो जाएगा। समझ में आया भाई? हो पाएगा? किया किसी ने भाई? कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। बराबर, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। पीओ माइनस पी एस यानी 760 माइनस 750, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपकी 750 इंटू 1000, और एक्वा सॉल्यूशन है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18। सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.74, ये आना चाहिए। यस सर, समझ आया? बाकी आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक यूनिवर्सल रिलेशन डेवलप हो जाता है, कभी भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है भाई? जरा समझ लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आई डोंट थिंक इस डेफिनेशन में इसको कोई प्रॉब्लम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन सबको पता है ना? क्यों है? हाँ सर। अब हम आते हैं कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो हमने देखा था कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाने के लिए हमको अब क्या टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? हाँ सर, है ना? हाँ सर। जो बढ़ाना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एलिवेशन, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसे ग्राफिकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए पी नॉट जो है इनिशियल प्रेशर है और ये सॉल्वेंट है मतलब प्योर है। अब हमने जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया आपके सामने। तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर रेंज देखिए T1 हो गया। हमने और ऐड किया तो प्रेशर और डिक्रीज हुआ। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर और बढ़ गया। तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस डिफरेंस को बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिवेशन डेल्टा टी बी, बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपोर्शनल हटाया, केबी लगाया। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं। कि डेल्टा बी इज व्हाट? चेंज। चेंज कैसे? सॉल्यूशन का ज्यादा है सॉल्वेंट का कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। के जो कि कांस्टेंट है, पर्टिकुलरली डिपेंड करता है लेटेंट हीट पर, यानी उस लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला Kb इक्वल टू R गैस कांस्टेंट, Tb बॉइलिंग पॉइंट स्क्वायर अपॉन 6000 LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है कभी कैलकुलेट करने की, बट हाँ इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे। करिए कॉपी। हो गया? Yes, sir. किसी को किसी चीज पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? मैं फिर क्वेश्चन पर आता हूँ। सर बोलिए। सर आपने जो सेकंड लाइन लिखी है एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ? सेकंड लाइन कहाँ पर? इसी ये वाला। हाँ सर, मैंने बोला जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ये पीछे भी रिलेटिव लवरिंग में भी किया था, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहा है। देखिए जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। मैं इरेज करूं ऊपर से। स्टार्ट करिए सॉल्व करना। हो गया सॉल्व? यस। तीनों क्वेश्चन हो गए? यस। चलो एक एक करके बताओ जरा मुझे। पहला क्वेश्चन कैसे किया है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 1.0। नहीं, 0.92 0.52 0.028। नहीं, अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? 0.98 नहीं है, 0.52 0.52 5.2 आएगा। क्या कर तुमने? चेक करो कैलकुलेशन अपना। सर मैंने गलती से सुक्रोज लेके सॉल्व किया। 2 मिनट। शाबाश। अब ग्लूकोज दिया है तो भी सुक्रोज लोगे? आया आंसर? यस सर, 0.52 यार है। 0.52 यार है। 0.52 आ रहा है। अच्छा एक मिनट को मुझे करके देखने, तुम भी आंसर रॉन्ग हो। एलिवेशन कांस्टेंट चाहिए और 0.13 अपॉन मोलैलिटी यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 240 10.8 180। ऐसा बन रहा है क्या? यस सर। यस। क्या बता रहे हैं आप लोग? 0.52। यस यस। सबने कैलकुलेट करके देखिए, कैलसी से चेक किया है? एक मिनट, एक बार कैलसी से चेक किया। हाँ सर, 0.5। ठीक है फिर, ठीक है। मैं भी गिवन रॉन्ग हूँ डेसिमल का। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ सेकंड का क्या आंसर आया आपका? 166.67। कितना? 166। नहीं यार, 166 तो नहीं आ रहा है। 158.9। 158.9 आ रहा है। इतना गड़बड़ कैसे हो रहा है भाई? क्या गड़बड़ कर दी आपकी? मॉलिक्यूलर मास निकालना था, 2.67 गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। भाई ऐसा बना है फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के बाद? हाँ सर। तुम लोग गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हो? तो आंसर तो 158.9 आना चाहिए फिर तो। जिन लोगों का गलत है वो क्या गलत है? थर्ड का बोलिए। 102.8। एक मिनट, 102 नहीं, 100.28 आ रहा है। चेक करो भाई, इतना गड़बड़ कैसे कर रहे हो आप लोग? 102.8। यस सर, 100.28 आ रहा है, 102 नहीं आ रहा है। ये होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए। सॉल्व करके देख लो। वही करना पड़ेगा तुम बेबी। बॉइलिंग पॉइंट मेड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ यूरिया, 60 by 60 into 1000, 200 ग्राम ऑफ वाटर, 0.56। ये तो खत्म, ये हो गया 5, 633, 16, 28। अरे यार 2.80 आ रहा है। हाँ, गलत दिया हुआ है। हाँ, दो गई यार गलत देने की। हाँ 2.8 आएगा तो 100 2.8 हो जाएगा। करेक्ट है। 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है 102। अभी किसी ने तो बीच में मुझे 100.28 भी बता दिया था, किसका आ गया था? क्यों भाई? और जरा अलग तरीके का है, मैं इरेज कर रहा हूँ। करिए जरा। ऑन डिसॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 30 ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी इज गिवन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय 0.40 डिग्री सेल्सियस, केबी इज गिवन 5.12, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हुआ सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है इसका? तो 121 ग्राम 21 भाई जब आंसर तो अभी भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सॉल्व करके देखूंगा इसको। पहले आंसर तो नहीं मैच कर रहा आपका। यही किया था हमने। यस। देखते हैं क्या चीज कर लेते हैं। बराबर है, इसकी की रॉन्ग है। 121.2 करेक्ट, इसकी की रॉन्ग है। चलो ये समझ आ गया ये हमको। यस yes. अभी हम तरीके से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया है, उसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हेडिंग डालिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और अभी तक आप लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट किया है कि नहीं किया? नहीं मॉड्यूल नहीं। मॉड्यूल क्या चीज कह रहे हैं? मॉड्यूल नहीं हमारे। अरे मैंने भेजा है आप लोगों को। हाँ हाँ भेजा सर, देखा। अच्छा हाँ अब उसको खोलिए और उसमें से ना सब टॉपिक वाइज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वंट ऑफ फैक्टर इस तरीके से है। तो जो जो सब टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लीजिए। अब आप कुछ 95 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर को 65-70% तक पढ़ लिया है। तो मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 99% तक हो सकता है 100% भी खत्म हो जाए चैप्टर। आपने सॉल्व नहीं किया तो अभी इसको सॉल्व करिए फटाफट से, ठीक है गाइस? ठीक है बेटा, चलिए ओके। थैंक यू सर।